हेलो कॉइंसिस फैमिली एंड हैम्स सीईओस, वेलकम बैक। मीम कॉइंस का माहौल है और इस माहौल का मज़ा आपने नहीं लिया तो बाद में बड़ा दुख होगा भाई। अब जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 कॉइंस के बारे में बताया था जो मेरी लिस्ट में थे, ठीक वैसे ही आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ हैमस्टर कॉम्बैट। तो इसका टोकन हैमस्टर रिसेंटली ही कॉइंसिस की ऐप और प्रो पर लिस्ट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैमस्टर कॉम्बैट क्या है, इसके यूज़ केसेस क्या हैं, थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा टेकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हैमस्टर कॉम्बैट टेलीग्राम बेस्ड एक गेम है जो कि मार्च 2024 में लॉन्च हुआ था और अभी इसके 300 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। ये एक टैप टू अर्न क्रिप्टो गेम है जहां आप सिर्फ स्क्रीन पर टैप करके क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस गेम फीचर्स डेली मिशंस, अपग्रेड्स एंड रियल वर्ल्ड रिवॉर्ड्स थ्रू द हैमस्टर टोकन। तो चलिए अब थोड़ा हैमस्टर टोकन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन इस टिकर से पेश होता है। ये टॉन नेटवर्क पर लॉन्च हुआ है और टॉन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसे ओरिजिनली टेलीग्राम ने डेवलप किया था। अब अगर आप टॉन के बारे में और सीखना चाहते हैं तो टॉन चेन पे हमारे द्वारा बनाई गई इस वीडियो को आप और देख सकते हैं। अब अगर बात करें हैमस्टर के टोकनॉमिक्स के बारे में तो टोटल 100 बिलियन हैमस्टर टोकन्स हैं और इनमें से 75% टोकन्स यूजर्स के लिए एलोकेटेड हैं। जी हाँ, हैमस्टर के सर्कुलेशन की बात करें तो अभी टोटल सप्लाई का 64.38% सर्कुलेशन में है एंड हैमस्टर कॉम्बैट ने अपने सीजन 1 के लिए 60% टोकन्स और सीजन 2 के लिए 20% सप्लाई रिजर्व कर रखी है। हैमस्टर टोकन कॉइन स्विच पर अवेलेबल है जिसे आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप एयरड्रॉप में हैमस्टर टोकन जीते हैं तो आप आज ही कॉइन स्विच पर उसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। और हाँ, ऐसे ही क्रिप्टो वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें कॉइनस्विच के चैनल को। सी यू नेक्स्ट वीक। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकोर्स फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस।